हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके पर्सन की, अभी इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स किस एनर्जी में हैं अभी आपके पर्सन। द फूल, पहला कार्ड द फूल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सोच समझ कर एक स्टेप ले चुके हैं काफ़ी लोगों के पर्सन तो, और काफ़ी लोगों के पर्सन ले रहे हैं, प्रोसेस में हैं। एम्परर, 2 मोर कार्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 1 मोर कार्ड, ओ 2 कार्ड आ गए तो हम दोनों ले लेते हैं। वी हैव हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक से हैं टेम्परेंस, सो कुछ कार्ड्स को हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है, क्लैरिफाई हम लाइन वाइज ही करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। एनर्जी कुछ अजीब सी है, मिक्स्ड टाइप एनर्जी है। साइन बता देती हूँ, वी हैव सेजिटेरियस, एरीज, पाइसेस, वर्गो, कैंसर। पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है, तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जी। जैसे मेजर अरकाना से आपसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन को कुछ लोग बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया ज़रूर है, बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि दिमाग में कुछ घुसा देना और फिर उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये अपने मन की बातों को साइड में कर दे रहे हैं और इन लोगों की बातों पर ध्यान देने लग रहे हैं, और क्योंकि ये इन लोगों की बातों पर ध्यान देने लग रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो रुक जा रही हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मुझे 5-स्टार चॉकलेट खानी है, ठीक है, आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मुझे 5-स्टार ही खानी है, ठीक है, मुझे नहीं खानी कोई और चॉकलेट। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको किसी ने बोला, नहीं नहीं यार ये वाली बड़ी अच्छी है, ये वाली बड़ी अच्छी है। फिर किसी और ने आपको बोला, नहीं ये वाली बड़ी अच्छी है। तो पता चला आप कंफ्यूज़ हो गए और आपने फिर उन लोगों के कहे पर कुछ एक्शन ले लिया। ऐसा कई बार होता है हमारी लाइफ में, हम होटल में भी जाते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, भैया हमें ये खाना है बट सब ये खा रहे हैं तो चलो ठीक है हमारे लिए भी वही मंगा लो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मुझे ये डिसीजन लेना है, सोच समझ कर पूरा इन्होंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे तो भाई इसके साथ ही नई शुरुआत करनी है। लेकिन बीच में कोई टपक पड़ा और उसने उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, अरे ऐसा करोगे, वैसा करोगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या हो गए, आप कन्फ्यूज़ हो गए। इन्हें क्या लगने लगा कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाद में पछताऊँ। तो इस वजह से क्या हो गई, आपकी जो चीज़ें अभी होने वाली थी वो टल गई, वो अब 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं। तो इस तरह का कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द फूल का कार्ड क्यों आया है, फर्स्ट कार्ड, हाँ वही आया है, देखिए एग्जैक्टली वही आया जो अभी मैंने आपको कहा। सबसे पहले तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए स्टेप लेने के बारे में इन्होंने पूरा डिसाइड कर लिया कि आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए जो भी सामने आएगा उसको हटा देंगे। लेकिन अचानक इनको किसी ने मैनिपुलेट कर दिया। किसने मैनिपुलेट किया, थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट कर दिया, और क्या कर दिया, इनको नेगेटिव एनर्जी में डाल दिया कि अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा। अब ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, अब ये खुद ही कन्फ्यूज़ हो गए कि क्या करूँ, अपना जो सोचा था उस पर एक्शन लूँ या कुछ और करूँ। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आया था हर्मिट। क्यों आया है हर्मिट,
एग्जैक्टली इन्होंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया था आपके लिए स्टैंड लेने का, लेकिन इनको कोई भड़का रहा है। एम्परर क्यों आया है? बोझ डाल रहे हैं इनके ऊपर, प्रेशर डाल रहे हैं। फैमिली के हैं कोई, ये जो एम्परर एनर्जी है ये इनकी फैमिली का कोई प्रेशर है, या तो फाइनेंशियल प्रेशर है या फैमिली का प्रेशर है। हम जायदाद से बाहर कर देंगे, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, समझ लेना तुम्हारी फैमिली मर गई, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा मैनिपुलेशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, चीज़ें जहाँ आगे बढ़ रही थी वहीं रुक गई हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्यों आया है हैंगमैन? आपके पर्सन जो है ना, कई बार बहुत गुस्से में भी आ जा रहे हैं इन सब सिचुएशंस की वजह से, ये बहुत गुस्से में आ जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ हो रिसेंटली कि आपके पर्सन ने आपको बड़े प्यार से बात किया हो, आपको प्रपोज़ किया हो, आपको कोई एक जेस्चर भी दिया हो कि हाँ आने वाले समय में ये आपके लिए एक्शन लेंगी या लेंगे, और सडनली दो चार दिन के बाद इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपको इन्होंने ऐसा बोल दिया हो कि यार अभी टाइम लगेगा, अभी हम सोचते हैं, हम बताएंगे, इतना फोर्स मत करो, अपना कोई माइंड डाइवर्ट करो अभी इन चीज़ों से, तो कुछ भी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इनको किसी ने कुछ बोल दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी ने ही मैनिपुलेट किया है, डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है इनके लाइफ में जो इनसे बात करता है या करती है, जिसकी बात ये सुनते हैं मानते हैं, और उन्होंने ही इनके कान में ये सारी चीज़ें भरी हैं। अब ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, और इंडिपेंडेंट होकर लेना चाहते हैं, शादी भी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन में फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन होप रखिए आने वाले समय में इनका जो दिमाग पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हट जाएगा और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बट थोड़ा डिले हो गया, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अटक गई, जो चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी होने वाली थी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आया है बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जिन चीज़ों को ख़त्म करके डिसीजन लेना चाह रहे थे वहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है, यहाँ पर इनका जो बैलेंस हुआ था वो चीज़ें गड़बड़ा गई हैं। काफ़ी लोगों के पर्सन का बैलेंस इस समय बिगड़ गया है, तो थोड़ा समय लगेगा। इनको बहुत डर है, फियर है, टेंशन है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इनके ऊपर उन लोगों का साया है, उन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुली छाई हुई है जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो इस रिश्ते में अच्छा नहीं चाहते। तो एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली चेंज है यहाँ पर। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें, द वर्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी इस समय बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, कार्मिक साइकल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर, लेकिन आपके पर्सन निकलेंगे इस सिचुएशन से, डेफिनेटली निकलेंगे, बट कितने टाइम में निकलेंगे आइए देखते हैं। आज रीडिंग लेट पोस्ट होगी आई थिंक, क्योंकि ये सब मैंने चेंज किया, थोड़ा सा समय लग गया। जय हो ब्रह्मदेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है होप, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई है जिसने गड़बड़ की है। थ्रोट चक्रा, रूट चक्रा ब्लॉकेज, थ्री ऑफ कप्स एंड डेविल। यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए थ्री नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले तीन दिन के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है, फुल मून के बाद का ये इफेक्ट नज़र आ रहा है। आने वाले तीन दिन के अंदर ये एनर्जी होगी, कुछ लोगों के पर्सन आएंगे भी, बातचीत भी करेंगे, बट कमिटमेंट बहुत रेयर है यहाँ। आने वाले तीन दिन में अगर किसी को कमिटमेंट मिलती है तो भगवान की ब्लेसिंग्स ही समझना, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि तीन दिन के अंदर किसी को कमिटमेंट मिलेगी। बातचीत हो सकती है, मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है, होप रखिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो, बट अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो कमिटमेंट मिलते हुए नज़र नहीं आ रही है।
थोड़ा सा इग्नोरेंस भी आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपके साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं है, आपके साथ होते हुए भी आपको इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। क्यों डेविल एनर्जी आई है? डेविल को द लवर्स क्लैरिफाई करता है, लवर्स को डेविल क्लैरिफाई करता है, हर हर डेक में ये चीज़ें रहती हैं। ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, 100% करेंगे, 200% करेंगे, लेकिन अभी इग्नोर करेंगे। प्यार बहुत करते हैं आपसे, इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन अभी वेटिंग गेम है, अभी वेटिंग गेम है, और अभी हार्ट एक एंड लॉस है। कोई ना कोई ऐसा है जिसने पनौती लगाई है यहाँ पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन वाली सिचुएशन है। थोड़ा सा आपके साथ ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ऐसा लगे कुछ छुपा रहे हैं, चीज़ें अचानक से कैसे इतनी स्टक हो गई। रूट चक्र, थ्रोट चक्र ब्लॉकेज ज़रूर हील कीजिए, क्योंकि रूट चक्र ब्लॉक होगा तो चीज़ें आपकी घर की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आने लगेगी, फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जिसकी वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक होगा तो बातचीत बंद हो जाएगी, कम बातचीत होगी, या बहुत कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। आप जो अफर्म करेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही नहीं होंगी, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी तब तक आपका यूनियन कैसे होगा? सो अगर आपकी विश है आपके पर्सन के साथ यूनाइट होने की, तो डू हील ऑल दीज ब्लॉकेजेस। कैसे हील करना है वीडियो बनाकर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है एस्ट्रो विद एम सिंह की, आप ज़रूर से चेक कीजिए और हील कीजिए। आने वाले 3 दिन के अंदर की ये एनर्जी है, 3 दिन तक ये एनर्जी रहेगी, और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 21 घंटे की हो सकती है, 21 आवर्स। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहती हैं या देना चाहते हैं। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। इट्स अ यस, सब कुछ अच्छा होगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे साथ तो इसका उल्टा हो रहा है जो मैम बता रही है, नहीं, जो भी यहाँ पर दिख रहा है अलर्ट रहो बस, ठीक। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशन में बैलेंस बनेगा बट नॉट द राइट टाइम, अभी अच्छा समय नहीं चल रहा, तो अभी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। बाकी आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, जैसा आप चाहें, क्योंकि एंजल्स कभी फोर्स नहीं करते, वो आपको सिर्फ गाइड करते हैं। बाकी जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। हेल्थ का आप लोग ध्यान रखिए, अनएक्सपेक्टेड में भी आया था कि आने वाले समय में कोई बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अपने पर फैलाएंगी, और आप देख रहे हैं कौन सा नीपा वायरस, कौन सा डेंगू, सब बहुत गजब की एनर्जी है, जिसके शरीर में हो जा रहा है तोड़ दे रहा है बॉडी। तो यहाँ पर मेरे भी आसपास काफ़ी लोग बीमार हैं, तो मेरे घर में भगवान की दया से अभी टचवुड ऐसी कोई बीमारी नहीं आई, बट घबराहट तो होती है ना अगल बगल में सबको देख के कि सब बीमार हैं, बहुत हालत ख़राब है। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज एनर्जी हेल्थ वाइज यहाँ पर आ गई, इसका मतलब कि बड़ी बात है। चीज़ों को लेट गो कीजिएगा, अगर आपके पर्सन का मूड नहीं ठीक है बोल दो जय श्री राम, अपना काम करो, जो बात नहीं करनी है ओके बाद में बात करेंगे, ठीक। फोर्स मत करना, क्वेश्चंस मत करना, बस कभी कभी अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत अच्छा होता है। सो ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू योरसेल्फ, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये ज़रूर बताना कमेंट में डेकोरेशन कैसा लगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेस्ट करना। तो कभी मैं इस चैनल पे इतने सारे टेस्ट करती हूँ कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है, और कभी मैं उस चैनल पे टेस्ट करती हूँ, तो अभी उस चैनल को मैंने छोड़ा हुआ है कि भाई रहो ऐसे ही, क्योंकि एक विश भी मांगी थी मैंने, तो जब तक उसको मैं वैसे ही करूँगी। बट इस चैनल पर अक्सर मैं टेस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है, चेंज मुझे बड़ा पसंद है, मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ। अपने घर में भी मेरे डेकोरेशन हमेशा चेंज होता रहता है, सो अच्छा लगता है मुझे, फ्रेश फील होता है। सो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।